सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग बट साथ बजने में अभी टाइम है सो वट विल डू एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी की तरफ से आता है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेट वन सो द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू गेट सक्सीड इन दिस मार्केट ऑलरेडी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और हर बिगिनर को एक्चुअली पता होना चाहिए कि वट इज द गोल है और वट इज द एंड गेम राइट सो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जब तक साथ बज भी जाएंगे एंड पीपल विल Join us and we'll uh, start the analysis. All right? So how would you ज्वाइन एंड विल स्टार्ट दी एनालिस पहले अपन आंसर करें आपको ये पता होना चाहिए कि you are here in the market, right? अब आप अपने रीजन यहाँ पे कुछ भी बता दो चार्ट आई एम पेशनेट अबाउट द मार्केट दिस एंड दैट बट जो रूट कॉज है राइट जो रूट कॉज है आपका मार्केट में आने का इट्स है सेकेंड और राइट लेट्स अच्छा ठीक होना चाहिए सो दिंग विच आई वे स्ट्राइंग टू से जो रूट कॉज है जिसकी वजह से हम सब लोग मार्केट में है राइट right? ये एक सिंपल है एंड दैट इज वी ऑल आर हिस्ट बिकॉज ऑफ द मनी राइट बराबर है ये जो मनी है इसकी वजह से हम सब मार्केट में है अब इसके ऊपर जितनी भी लेयर आपको चढ़ानी है वो आप चढ़ा सकते हैं कि आई एम हियर फॉर दिस आई एम हियर फॉर दैट राइट दल आर द थिंग्स

सॉरी चालीस से पचास हजार करोड़ कम है करोड़ बोलना कहीं कई कही बार भूल जाता हूं तो लोग कहते हैं कि बस हजार करोड़ बट चालीस से पचास हजार करोड़ का डेली का, का टर्न है राइट right? अब इस डेली के टर्न में ये आपकी स्किल्स ये आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप अपना लाइफ स्पेन में यहां से कितना निकाल सकते हो राइट यहाँ पे टर्नओवर इतना होता है बाय द टाइम ये बढ़ने ही वाला है कम नहीं होने वाला राइट right? बट आपकी स्किल्स डिसाइड करेंगी कि आप मार्केट से कितना निकाल सकते हो राइट सो हाउ डू वी गेट द स्किल्स बट स्किल्स अगर आ गए तो क्या हम लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे या फिर सक्सीड uh, हो जाएंगे मार्केट में आई मीन दैट्स द आंसर वी आर हेयर जो हम सबके पास है हम सबके पास क्या है हम सबके पास लाइक uh, like, ट्रेड करने के लिए पैन कार्ड है राइट right? पैन कार्ड के साथ ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है सबके पास है राइट right? ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट हम सबके पास मोबाइल है और सिस्टम है जिससे हम अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास कैपिटल है राइट right? ये सबके पास सब है सभी लोग जितने यहां पर हैं आप हम सब डजन मैटर कितने बट हंड्रेड परसेंट ट्रेडर्स के पास ये सब होता है कैपिटल अगर तो अपने पास नहीं है हमारे पास नहीं है कैपिटल जो

होती है इफ यू आस्क इट्स वेरी सिंपल इफ यू कम टू द मार्केट डेटर किस तरह काज टू भी स्विंग ट्रेडिंगल राइट सब लोग टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड नहीं कर रहे हैं फॉर्गेट अब अगर इफ यू बिलीव इन दैटी इन्फॉर्मेश जितने भी पार्टिसिपेशन एफ आई आई डी आई ऑल आर ट्रेडिंग फॉर्म दी चार्ट एन ऑल दैट सभी लोग चार्ट से ट्रेड नहीं कर रहे हैं सभी लोग फंडामेंटल से ट्रेड नहीं कर रहे हैं सभी लोग वेव ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं सभी लोग लाइक इंडिकेटर्स नहीं कर रहे हैं बट सभी लोग वो कर रहे हैं जिसमें उनकी एज है सभी लोग वो कर रहे हैं जो वो बहुत अच्छे से जानते हैं समझते हैं एक बहुत फेमस सा डायलॉग है कि आ, जैसे कराटे में दरार टेन थाउजेंड मूव राइट सो उन टेन थाउजेंड मूव से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पर अगर एक मूव का आप टेन थाउजेंड वर्ड प्रैक्टिस कर लो सो यू गेट द एज आउट ऑफ दैट यू गेट द मास्टरी ऑफ दैट दैट इज हाउ यू एक्चुअली गेट स्किल्स राइट सो कोई भी एक विधा है कोई भी एक कला है उसे पकड़ो और जैसे आप वो कला को उठाओगे अपनाओगे प्रैक्टिस करोगे दैट बिकम्स योर एनालिसिस मार्केट में आने के बाद बाय या फिर सेल तो लगाओगे राइट right? मैटर कुछ भी कर लो बाय या फिर सेल ऑर्डर तो लगाना है सेल मतलब आप तभी पैसा बनाओगे जिसमें आपने सेल किया वो नीचे जाए बाय मतलब जब भी पे, तभी पैसा बनाओगे जब वो चीज ऊपर जाए राइट फॉरगेट अबाउट एनालिसिस भूल जाओ पर जिस तरह का भी एनालिसिस कर रहे हो और उसके बेस पर बाय या सेल लगा रहे हो तो मार्केट शुड डू दैट राइट अगर सेल सेल लगा लगा रहे रहे हो हो तो तो करना चाहिए बाय बाय लाइक ऊपर जाना चाहिए मार्केट को राइट बट इट हैज टू बी ऑल द टाइम आप यहाँ पे हार्डली ढूंढ पाओगे तो एनालिसिस आपको मिलेगा उसके साथ साथ आपके पास स्ट्रैटेजी होने चाहिए मैंने कवर किया पुराने में बट यहां तक पहुंचने के लिए ये सब भी होना चाहिए राइट right? उसमें फिर ये एडोन्स होते हैं और स्ट्रेटेजी हो गई अब जैसे आपका से चलो मेरे, uh, market, uh, यहां से यहां जाना चाहिए राइट right? ठीक है यहां से यहां चला तो गया अब एंट्री कहां लगाओगे लाइक अब बता दो चलो पहली बात तो बताओ कि अगर कोई आपको ये बताए अगेन कि कोई अगर आपको ये बताए कहां पे? यहां पर राइट सो इफ यू टॉक अबाउट हियर टेल मी कहां जाएगा मार्केट सो so, वेरी बेसिक से एनालिसिस है ट्रेंड लाइन टूट गई तो अपन सेल सेटअप देखेंगे ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट लिया तो बाय सेटअप देखेंगे या फिर एप के नीचे VVAP के ऊपर सुपर ट्रेंड ओवरबॉट हुआ तो सेल एनालिसिस आप कुछ भी गुणा भाग कर लोगे लेकिन जब आपका एनालिसिस निकल कर आ गया कि ऑल राइट अब मुझे सेल करना है राइट लेकिन आप सेल करना कहाँ पे यहाँ पर अगर सेल करोगे तो स्टॉप कहाँ रखोगे टारगेट कहाँ रखोगे राइट अगर बाय करना है तो स्टॉप कहाँ रखोगे टारगेट कहाँ रखोगे दैट एक्चुअली ये निकल के आएगा आपका स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन से राइट right? और जब स्ट्रैटेजी हो जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं है आप सुपर ट्रेडर बन गए और और अपनी नेटवर्थ हर सेकंड ट्रेड में डबल कर रहा हो राइट ऐसा नहीं होता राइट right? सो so ये सब स्किल्स के पार्ट है आपकी कितनी अच्छी स्किल्स हो सकती है आई कैन शो यू द वे ये वे है आपका लेकिन अब इसमें आपको खुद चलना है खुद आगे बढ़ना है खुद अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है सो so, स्ट्रैटेजी के बाद आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सब को हैंडल करने के लिए आपकी साइकोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले करती है राइट अगर आपकी टेन लाख ,00 की कैपिटल है और आपने एक ये इसी ट्रेड में अगर मान लो बाय किया है और आपने और एक लाख रुपए का रिस्क ले लिया है राइट एक लाख भी बहुत कम लेते हैं लोग वक्त तो क्या करते हैं मैं बता रहा हूं 90% परसेंट ट्रेडर तो मैं बस 10 लाख का कैपिटल है इसको ऊपर जाना है पूरा 10 का 10 लगा दो पर देखो उसके बाद क्या होता है तो अगर ऐसी चीज करोगे या फिर ऐसी चीजें आप फॉलो करोगे तो होगा क्या भले ही ऊपर चली जाएंगी ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएंगी पर पता है जब इसके बाद ये केस होगा इसमें ये जो साइकोलॉजी है ये प्ले अराउंड होगी ऑलराइट सो तो अगर इससे बचना है तो इसको अगर कंट्रोल में रखना है तो आधा काम अगर आप अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से ट्रेड करोगे ना देखो ये तो समंदर है यहाँ तो झुंझुन वाला भी है, है जैसे लोग भी हैं राइट पर मैं अगर झुंझुन वाला बनने की कोशिश करूंगा वरन बनने की कोशिश करूंगा उनके पॉकेट साइज से खेलूंगा या फिर आप में से कुछ लोग मेरी पॉकेट साइज पे खेलेंगे या फिर हो सकता आप है आप में से बहुत सारे लोगों की पॉकेट साइज मुझसे भी ज्यादा हो मैं अगर उसे रेप्लीकेट करूँ तो और अगर मार्केट जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना मेरे अगेंस्ट में तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है सो जो साइकोलॉजी ना आधी कंट्रोल में तभी आ जाएगी जब आपकी पॉकेट साइज से आप मार्केट uh, को ट्रेड uh, करेंगे या फिर यहाँ पर काम करेंगे और राइट तो दैट्स हाउ यू बिकम स्किलफुल जो स्किल्स आती है ना जो स्किल्स है वो यहाँ पे आपको काम करना है और इसमें जब आप काम करेंगे तो यू बिकम्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ये मतलब नहीं कि एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं, नहीं। ये चालीस से पचास हजार करोड़ का जो डेली का टर्नओवर है मैंने कितने ट्रेडर को देखा यहाँ पे जो अभी डीमेट अकाउंट खोलेंगे अगले सात दिन में डबल कर लेंगे अपनी कैपिटल बट वट क्या इट गोज बैक टू दी मार्केट राइट और अगर नहीं भी कर रहा लॉस कर रहे हैं तो या तो ट्रेडर यहाँ पे लॉस ही करता रहेगा जिंदगी भर और जिंदगी भर यहाँ कोई लॉस नहीं करता मैं बताता हूँ यहाँ से दो से पांच साल ही होती है इनकी लाइफ स्पेन जो नाइनटी परसेंट ट्रेडर लॉस करते हैं ना ये दो से पांच साल कोशिश को, करते रहते हैं कुछ होते हैं जो आगे तक निकल जाते हैं पर अगर उनके कंसेप्ट नहीं समझा तो जिंदगी भर मार्केट में कुछ ना कुछ दान देते रहेंगे सो रहे? so, या तो वो जिंदगी भर दान देते रहेंगे या फिर दो से पांच साल में ट्रेडर खुद ही गिव अप कर देता सो so, इससे अच्छा है क्या है कि सच्चाई है ये कि आप ऑलरेडी स्किल्स पे काम करो राइट यहाँ काम कर लोगे अगर डिसेंट में काम कर लिए ना तो आई गेस कि दो से छ महीने डिपेंड करता है आपकी कितनी एबिलिटी किस तरह से आप लाइक आपकी लर्निंग कैपेसिटी है इसलिए दो से छह महीने की लाइक रेंज है बट इतने दिन अगर वर्क हार्ड कर लिया ना आई एम टेलिंग यू स्टॉक मार्केट से बेटर बिजनेस आउट देयर कुछ नहीं है जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट है रिटर्न रिटर्न आपके ऊपर है आपके कैपिटल के ऊपर है एंड आपके स्किल्स के ऊपर है कि कितने रिटर्न ला सकते हो राइट right? इतने रिटर्न किसी और बिजनेस में बता दो एंड स्पेशली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहां क्या लगता है वही पैन कार्ड रिमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल की कोई वो नहीं है राइट right? कि लिमिट सौ रुपए वाला आदमी भी ट्रेड कर सकता है सो करोड़ वाला भी ट्रेड कर सकता है राइट सो दैट्स हाउ यू बिकम्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर दैट्स हाउ यू गेट सक्सेस इन द मार्केट यू नीड ऑल दिस एंड उसके साथ अगर आपके पास एक अच्छी स्किल्स आ जाए अच्छी स्किल uh, और अच्छा एनालिसिस अच्छी स्ट्रेटेजी मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल एंड सक्सीड इन द मार्केट ऑलराइट सो दैट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन आई गेट दिस क्वेश्चन अलॉट बट आई मीन सात ऑलरेडी बच चुके हैं सो लेट्स नॉट वेस्ट अदर टाइम बट इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन दी मार्केट एंड इफ यू आर बिगिनर वर्क ऑन यूर स्किल ऑल राइट देट्स दैट क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एस अगेन एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इसको पहले काट दो ताकि मुझे लाइव डाटा दिखे नहीं तो होगा क्या मैं यहीं से एनालिसिस बता दूंगा आज का डाटा अगर देखो तो मार्केट ने यहाँ पर हाइस पर एग्जिट किया, किया हुआ अगर इस लाइक बहुत सारे लोगों से आप इस टाइम पूछो ना मार्केट क्या कर रहा है पर मार्केट, देविल से कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है इट्स गोइंग साइडवेज राइट बट यू नो वट ये साइडवेज मूवमेंट ही है जहां पर आपको प्लान करना है वहीं पर तो ट्रांजेक्शन हो रहा है वहीं पर तो पोजिशन बनाई जा रही है राइट जब पोजिशन बनाई जा रही है इट्स नॉट द प्लेस जब आपको मार्केट से दूर रहना है इट इज द प्लेस जब आपको मार्केट को स्टडी करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है कहाँ सिचुएशन बन रही कहां है कहां एग्जीक्यूशन ला सकता है तो ये रहा एनालिसिस और ये रही 10 जुलाई आई गेस लास्ट वीक का ही है ये वेबिनार राइट सो वट यू लुक फॉर यू लुक फॉर इस तरह के पैटर्न में बहुत कॉमन सी चीज है ट्रेंड लाइन के आसपास आप आ जाते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देते हो बट आई मीन वी नो दैट ट्रेंड लाइन ब्रेक इतना इशू नहीं है पर द मेन इशू इज पैटर्न तो वेन यू सी दैट काइंड ऑफ थिंग ऑन द दी यू लुक फॉर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यू लुक फॉर द यू लुक फॉर द करेक्ट स्ट्रक्चर वंस यू सी दैट यू लुक फॉर द नेक्स्ट इंपल्स ऑफ राइट अब क्या करना है अब देखो जरा यहां से सुनो यहां पे क्योंकि आज जहां पर हम खड़े हैं वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान कैसे दोगे जिस मुकाम पर अभी आपका मार्केट खड़ा हुआ है यहां पर राइट right? अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ और फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो फ्रेश एग्जीक्यूशन के मतलब से मेरा मतलब है नई ट्रेड जो आप मंडे से एग्जीक्यूट करोगे जो ऑलरेडी ट्रेड में है उन्हें अपनी ट्रेड ट्रेड मैनेजमेंट के जो रूल्स आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से आपने बस मैनेज करना है दिस एनालिसिस इज फॉर द फ्रेश सो फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो और जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी मैंने सब डिलीट कर दिया गलती से एंड yeah, आ गया सो इज अ पॉसिबिलिटी on a lower time frame that this is making one more internal अब ये internal इतना मिलेगा अब जिस हिसाब से scenarios hain ye अगर सीधा चला गया तो फ्रेश एग्जीक्यूशन वन आवर के हिसाब से तो कुछ नहीं है फिर forget अबाउट इट बट फॉर सम रीजन इफ यू मेक दिस एज एन impulse वन टू एंड थ्री करेक्टिव वेव्स वंस यू सी दो मैटर क्या करेक्टिव वेव होती है चाहे तो यहां तक भी आ सकता है टैग करे ना करे दैट विल भी डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट आपने बस ये वेव को रीड करना है सो so, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो तो जब तक आपको यहाँ पे पुल बैक नहीं मिल रहा है एंड पैटर्न नहीं मिल रहा है तब तक आप ये बाय नहीं लगा रहे हो और इसका ये भी मतलब है कि ये जब यहां से गिरने लगे ना तो आई डोंट नो सम रीजन आपको अच्छे से याद होगा कि ये जो मूव है ये वाला और ये वाले मुंह में टेल मी बड़े पॉइंट कहां पे हैं ज्यादा पॉइंट कहां पर हैं राइट डेफिनेटली इट्स हियर पर फॉर सम रीजन पीपल मेक नॉइज हियर दिस एंड दैट दिस एंड दैट दिस एंड दैट राइट बट देयर फॉर ओके इट्स अगेंस्ट द ट्रेंड ये जो वही मैं बता रहा जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में करेक्शन करता है तो ये जो लेंथ होती है ये ऑप्शनल होती है उस टाइम उस दिन उस समय उस पोजीशन पर क्या मार्केट का सेंटीमेंट है क्या मार्केट का एग्जीक्यूशन है क्या मोमेंटम है बेस्ड ऑन दैट इसकी लेंथ डिसाइड होगी लेंथ जब डिसाइड होगी तो आफ्टर दैट तो आप बोल दोगे कि भाई अगर ये अटैक कर दिए तो रनिंग्लैट अटैक कर दिए तो एक्सपेंडिंग बना देगा अटैक नहीं किया तो रनिंग फ्लैट बना देगा पर क्या बनाएगा क्यों बनाएगा वो बनाएगा इसलिए क्योंकि उस दिन का जो मोमेंटम है जो सेंटीमेंट है वो ये वेव डिसाइड करेगा और रे? आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वेव को रीड करना है अगर नीचे वाली आती है तो एंड ये भी काम है क्योंकि आप ये वेबिनार देख रहे हो या फिर इस सेशन में हो आप इसे टॉप डिक्लेयर नहीं कर सकते जिससे मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा हूं यहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो दिख नहीं रहा है उसे बताने से कोई फायदा नहीं है यहां पर अगर ये टॉप हो जाए और ये गिर जाए प्योर लक राइट सो आई डोंट वर्क ऑन लक आपने करना क्या है अभी भी कोई इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर नहीं आ रही है कि ये टॉप है यू हैव ए पीस यू हैव है बी पीस पॉसिबल सी पीस वंस यू सी दैट यू लुक फॉर वन मोर बाय सो होगा ये कि जो इलेवन के का टारगेट है वो या तो यहाँ पे फ्लैटिश करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद आने वाला है राइट या फिर फ्लैटिश करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं आया और यही ऊपर चला गया एंड दैट इज द रीजन आपको जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है स्ट्रक्चर राइट तब आपने बाय अटेम्प्ट करना होता है आरे? पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट किस तरह से होगा राइट ऐसा ना हो कि हरी ब्रेकआउट ले रहे हो तो उसमें तो फिर ये भी ब्रेकआउट हुआ है ये आज यहाँ पे भी ब्रेकआउट है सेल कर दोगे फिर तो दो सही पता नहीं होगा तो सो so, निफ्टी पे अभी ऑन ए बिगर स्ट्रक्चर आवरली फोर आवरली वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट इफ इट गोज अप डायरेक्टली वेल डन नॉट अ प्रॉब्लम जस्ट मेंटेन द ट्रेड अभी भी पॉसिबिलिटी है कि देर इज मोर अपसाइड पॉसिबल इलेवन के ऑलरेडी साइकोलॉजिकल नंबर है अपन ऑलरेडी उसी टेरेटोरी में है स कि अगर मुझे यहाँ पे फॉर सम रीजन विच इज ऑलमोस्ट वेरी मच पॉसिबल ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ये अगर ए स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वाला इफ यू ब्रेक दिस विदिन इम्पल सस्टेन दैट दैट इज हाई पॉसिबिलिटी पांच वेफ की वंस यू सी दैट्साइड अराउंड अगेन दैट विल बी अनदर एडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मीट दैट्स निफ्टी फ्रॉम माई साइड बैंक निफ्टी की बात करें तो अगेन इट्स अ फोटोग्राफिक राइट बैंक निफ्टी यहाँ नहीं मुझे निकालना पड़ेगा uh, नहीं निकला तो <laughs> एक मिनट में देखता हूँ तो जल्दी निकाल सकास्ट टाइम तो की देर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यहाँ पे गैप खुला तो अगर सस्टेन किया बट यहाँ गैप फिल हुआ अदर देन दट यू हैव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वेव का स्ट्रक्चर है यू सी द रिवर्सलैक यू सी दैक्स्ट वेव राइट When was this discussed 10th of July? Aja Satra July. So I hope you guys took advantage of it. If not, what are you doing? Right. Take the advantage. All this is for education. Always remember. I'm not the uh, from the advisory, I'm not the register one. I'm just showing you my experience with which I have in the market, and I show what I trade. Alright, I show what I just do in the market. Alright. We have a group of people. I just show them that this is what I think of. Uh, think of the market, all right. So based on the current scenario, this is what I think. If you synchronize with my analysis, well done, you got yourself a good trade. If you do not, if you do not uh, synchronize, then let it go, right? So what do we have now? We go at one, two, three, four, five. You break the structure, you pull back, you go go with the upside. But now happy upside, The trading room, the traders humare, We have a buying opportunity. फोर द ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर वी हैव दट काउट पर हो राइट तो right? so, ब्रेकआउट पर अगर आप हो और इस ट्रेड में हो तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ये जो सीन है आपके लिए ये वाला यू सी दिस पीज देर टेक्निकली तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है बट फॉर सम रीजन देर इज समथिंग विच कम्स राइट दर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी आपकी जो ट्रेंड जा रहा है ना कि ट्रेंड पे थोड़ा सा ध्यान दो right? अगर इसे दोबारा हाई टैग करना है विच इट विल ऑल अगर इसे दोबारा हाई टैग करना है क्योंकि अगेन जितनी भी पॉसिबिलिटीज यहां बनकर बन आ रही हैं वो टॉप नहीं है फॉर दैट टू बी डिक्लेयर टॉप यहां पर पिक्चर होनी चाहिए और राइट right? यहां पर सीन होना चाहिए जब तक वो सीन एंड सीनारी प्रिंट नहीं होते मैं यहां तुक्काबाजी नहीं कर सकता राइट वट आई डू जो हमारा बाय यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है वी आर रियली पेइंग अटेंशन ऑन दिस स्ट्रक्चर राइट और ये स्ट्रक्चर हम नहीं चाहते क्योंकि ये फेक आउट है राइट right? अगर मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स बैक करने लगा और उसने ये इम्पल्सिव तोड़ा राइट सो उस केस में ये फेक आउट होगा और अगर यहां पे सस्टेन किया तो दैट एक्चुअली बिकम्स रियली रियली रिस्की यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड बेस्ड ऑन योर बेस्ड ऑन योर रूल्स एंड ट्रेड मैनेजमेंट वट एवर राइट बट लेट्स इट गोज अपन जस्ट मैनेज दिक्स के मार्केट को प्लेडाउन होने दो इसका यह मतलब नहीं कि ट्वेंटी सिक्स तक आप बाईस हजार आज चल रहा है यहां कागजीक्यूट करिए तो आंख बंद कर, कर अपन चार हजार पॉइंट देखेंगे विल सी कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर एंड पैटर्न होता है राइट right? रिमेंबर अगर मैं बोलूं कि भाई ये छब्बीस हजार जा रहा है और मैं बोलूं कि लाइक कोई और बोले कि लाइक ये यहाँ जा रहा है दे बोथ हैव इक्वल पॉसिबिलिटीज फिफ्टी परसेंट हमारे पास भी फिफ्टी परसेंट उसके पास भी नो 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 दैट्स नॉट व्हाट आई एम डूइंग हियर आई एम नॉट यहाँ आके मैं लाइक प्रोडिक्शन नहीं मार रहा हूँ कि दिस और नो नो no, no. I'm reading something out of the charts, out of the patterns, and I'm showing you what this potential pattern can do. अब इसका ये मतलब नहीं था कि यहाँ पर क्या सिर्फ यही pattern था one two three four five वाला। ना ना ना। इन sessions में वो मैं वो discuss करता हूँ जिसके होने की ज़्यादा possibilities है। There are always the possibilities कि ये ये patterns play out हो सकते हैं क्योंकि जो playground है, वो playground ये है अपना। All right? So patterns and scenarios and structure इस तरह से बनेंगे। लेकिन ये जो है इसके होने की पॉसिबिलिटी जो दूसरे पैटर्न है उनसे ज्यादा है एंड दैट इज वॉट वी आर डूइंग सो बेस्ड ऑन करंट सिनारियो अभी भी ये 26 के पॉसिबल है कब तक तो पॉसिबल है अगर इसने ये ट्रेंड नहीं तोड़ा तो फिर तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है सो हैट वी वॉन्ट फ्रॉम द मार्केट आप सीधा ऊपर जाओ इफ यू डू दैट वेल डन जस्ट मैनेज द ट्रेड इफ नॉट वी आर रियली पेइंग क्लोज अटेंशन हम नहीं चाहते ये मार्केट इस ट्रेंड को इंपल ब्रेक करें

बेस्ड ऑन दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर यू लुक फॉर योर बाय सेटअप जो भी आप देख सको इफ यू डोट हैव एनी यू शुड हैव समिंग सो बैंक निफ्टी स्टिल इन टैक्ट यू जस्ट गो विदीवियस एनालिसिस बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड रही बात ये क्या है ट्रेडिंग रूम ऑफिशियल और ये अपनी वेबिनार की स्क्रिप्ट नहीं है ऑल राइट सो गोल्ड गोल्ड इज समथिंग इट एक्चुअली स्टिल इन दिसडवेज इसका ये मतलब नहीं कि दूर जाना है इससे रीड करना है जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है इनकम्पलीट है आई एम ट्राइंग टू रीड इट एक्चुअली वीकली स्ट्रक्चर आपको दिखा चुका हूं इट्स अपसाइड लुक फॉर दी बाय सेटअप जब जब पैटर्न कंप्लीट हो वी आर वेटिंग फॉर इट अभी गोल्ड और सिल्वर एक्चुअली फ्रेश एक्जीक्यूशन के लिए कुछ नहीं है जो ऑलरेडी पहले से ट्रेड में है मैनेज करो यूज यूर सेटिंग अप फॉर अ गुड ट्रेड बट

अगर आप वेव ट्रेडिंग में आ रहे हैं इफ यू आर कमिंग टू दी ट्रेडिंग और वेव एनालिसिस एनालिसिस समथिंग यू मस्ट मास्टर और वेव ट्रेडिंग मैटर मार्केट ये जो करेक्टिव फेज है दैट्स द पेन ये बहुत जो आपके जितने लॉसेस हो रहे हैं जितने आपकी प्रॉब्लम आ रही है आधे से ज्यादा का जिम्मेदार ये होता है समटाइम इट बिकम्स वेरी सिंपल समटाइम इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स वेन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स That's the pain and that's what the oil is doing in front of us. So oil जब आप देखते हो इस तरह से और जिस तरह से ये जो scenarios हैं, ये possible B है, ये possible ending structure है, possible ending diagonal whatever. So जो scenarios and situation यहाँ बन रही हैं, अगर ये B है, तो what we are looking for, we are already in the bias, we are just adding on, उनको breaking उन पर रखा और we are thinking कि just अगर ये ending structure है, we have to exit it. जैसा मैं सोच रहा जैसे सी वे के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो फिर ये जाएगा ऊपर फोर्टी एट डॉलर को और उसमें कुछ भी नहीं बदला है पर वही बात है अपन यहां से अगर बाय में बैठे यहां से बैठे यहां से बैठे जहां से भी बैठे हो अगर 48 तक जा रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने आंखें बंद करनी है आपने ये स्ट्रक्चर रीड करना है स्पेशली ये वाला रीड करना है राइट तो वट वी हैव वी हैव द दन टू थ्री फोर फाइव इफ वी गेट दिस स्ट्रक्चर यही वाला पीस सीधा निकल जाना चाहिए बहुत अच्छी बात होगी हमारे बाइस के लिए आपके बाइस के लिए पर अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है

दे वाई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द सिंपलेस्ट वे ऑफ टीचिंग वेव थ्योरी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ये पाकर जी हमेशा बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट टाइप के कमेंट कर देते हैं सो लेट मी शो इट्स इजियर होगा दूसरे को भी पढ़ना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट वे यू डू दिस वी क्रूशियल थिंग हैपन फर्स्ट थिंग इन माई ट्रेडिंग करियर आई एड अ गुड क्वान्टिटी जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स फाइव दैट्स वेल डन फर्स्ट टाइम आई हाइडेंटिफाई फर्स्ट टाइम आई Cooked lunch while we were in trade for the one third reward. Today in the one of my trade I saved myself by exiting my position at break, even as the trade was going against me and I was right. All credit goes to you and your night chart. Practicing as per your rules. थैंक यू सो मच फॉर योर कई अच्छा पार्कर जी वन मोर थिंग यू वॉट द बुक एंड यू आर नॉट लीविंग द रिव्यू ऑन द वेबसाइट राइट वी आर वेटिंग फॉर योर टेस्टिमोनियल रि देबसाइट इट वुड बी रियली एंड ग्रेट सो डू लीव इट इफ यू फील लाइक इट थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स पर मैं फिर कहूंगा ये

ओ एनजीसी डेली टाइम फ्रेम में क्या बाय सिग्नल पे पैटर्न है और मंथली टाइम फ्रेम में पैटर्न में रूल्स का वन सिक्स का रेशियो पूरा किया है तो लॉन्ग व्यू बुलिश है क्या टारगेट फिफ्टी रख सकते हैं क्या ओ एनजीसी लुकिंग फॉर साइड लेट मी जस्ट चेक इट सो आई गेस इट्स इन दमेशन वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी हियर दैट इज टू मच बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशन राइट सो right? so, अभी की के हिसाब से आप 150 तो नहीं रख सकते है ना इफ यू नो स्ट्रक्चर वेरी वेल आप क्या करोगे इस तरह के स्ट्रक्चर में वन तक जाते हुए जो छोटे छोटे इंटरनल इम्पलस मिलेंगे आप इन्हें लेने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एक ही बार में सब लेने के लिए एक ही बार सब लोगे ना तो ये पता है इस तरह से जाएंगे इस तरह से जाएंगे इस तरह से आकर आकर और इस तरह से अगर 150 दे भी दिया तो फिर यू नो वट आई मीन बाय दैट राइट ये कौन सफर करेगा सो बेस्ड ऑन द करंट सिनारियो एंड सिचुएशन आई थिंक वन फिफ्टी इज पॉसिबल इट्स लाइक ये है तो अपने आप में बुलिश पैटर्न बट आई डोंट थिंक वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में चले जाए

अल्टीमेट फैक्ट आई एक्सेप्ट प्रडिक्शन ऐसी होती है कि आज निफ्टी uh, कुछ है नहीं उधर uh, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी sure कहा आप बात कर exactly, so रहे हैं एग्जैक्टली बट तो मैं कहूँ मार्केट ग्यारह हजार जा रहा है मार्केट बारह हजार जा रहा है राइट या फिर मैं कहूँ मार्केट छह हजार पांच हजार या सात हजार पांच सौ दो जा रहा है विदाउट शोइंग यू एनी फैक्ट एनी डाटा की नहीं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आय है बेस्ड ऑन समथिंग आय है राइट सो दैट्स अ प्रोडिक्शन अगर सही हो भी गई तो फिफ्टी परसेंट होने के और एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल सुनो सपोज करो बाय लगाना है मार्केट आपने बाय किया आपके प्रोडिक्शन पर आपके एनालिसिस पर और आप बोल रहे हो बेस्ड ऑन माई प्रोडिक्शन मार्केट शुड गो अप राइट और आप मार्केट uh, को कहाँ जाना है मार्केट को यहां जाना आपके प्रोडिक्शन के हिसाब से ये है राइट right? आप बस ये बोल के निकल गए मार्केट आया नीचे आपके जो भी है आपने ऑर्डर लिया कि नहीं लिया वो अलग बात है पर उसके बाद मार्केट दिस राइट उसके बाद एक साल दो साल या छह महीने तीन महीने बाद मार्केट दिस एंड यू से आई टोल्ड यू मैंने कहा था आपसे मार्केट जाएगा वहां पे राइट डज इट मेक सेंस टू यू राइट हेल इज दिस

मिली तो बॉटम बताता हूं आईम नॉट हेयर टू प्रक दर्ट आई एम हियर टू एनालाइज दल आई टेट दैट वे बट थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट वट इज योर ओपिनियन अबाउट गोल्ड एंड क्रूड फॉर इंटरडे इंटरडेट हार्ड टू डिस्कस इन दिस से आई थिंक यूर वेल वेलकम वेल वेलकम इन आर ट्रेडिंग रूप इफ यू आर प्लानिंग इंट्रॉडे वो क्या होता है इंट्रोडे आई मीन टेक दैट वे फिफ्टी मिनट्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिससे आपको एक्जीक्यूशन करना होता time frame. Right? कर है लोअर टाइम फ्रेम अगर क्रूड ऑयल कर रहे हो तो डेफिने आप वन आवर के स्ट्रक्चर भी प्ले आउट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग टाइमिंग नौ बजे से रात के ग्यारह या बारह बजे तक रहती है आई थिंक right? आप टाइम फ्रेम पे एक मेरा वीडियो है वो देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा नाउ वी कैन से दैट इज नॉट द टॉप ऑल गुड न सेल इट एज अ टॉप बट वी माइट कॉल इट आई मीन आपसे बहुत सारे लोग इसे फेक आउट या ब्रेकआउट बोल सकते हो बट वो फेक आउटन्स आउट मैं बता देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम जब आप पाओगे ना ऑलरेडी मैंने बता दिया वैसे तो दिस इज अ पॉसिबल ए दिस इज पॉसिबल बी यू हैव अ पॉसिबल सी उसके आप बोलोगे फेक आउट हुआ है स्ट्रक्चर वट इट डज स्टिल नॉट अ टॉप अलग जब बताए बनेगा दिखेगा तो बता दूंगा अलग मैकडावल्स और लुपिन ऑन वन आवर डे चार्ट पे क्या चल रहा है मतलब क्या पैटर्न बन सकता है मेरे दोनों बाय में बराबर किया है कि मैकडोनल्ड में देख लेता हूं मैकडावल सॉरी <laughs> बाकी दूसरी क्यूरी अगर टाइम बचा तो मैं फिर ले लूंगा यूनाइटेड स्पिरिट डेली इट्स स्टिल इन दिस साइडवेज जोन और कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो स्ट्रक्चर या सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर एंड इस तरह के पैटर्न एंड स्ट्रक्चर में वेन यू लुक इन वीकली पैटर्न बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आई थॉक दैट वॉज द फर्स्ट वे सो वट यू कैन डू अगर आपने फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेड चल रही है तो एग्जीक्यूशन के पहले रख सकते ये जो पैटर्न देखना यहाँ पर ये, ये वाला सो दैट इज अरे रेजिस्टेंस लाइन दैट इज अ सपोर्ट लाइन ये जब तक इसमें है ना इसमें क्रॉल अप कर सकते हैं एक समाइट ही नीचे जाएंगे और अगर ये पैटर्न करेक्टिव निकला यहां से फिर ये वापस ऊपर चले जाएंगे ऑलराइट सो दैट बेस्ड ऑन दैट आप यहां पे फ्रेश एग्जीक्यूशन कर सकते हैं बट अगर ऑलरेडी ट्रेड चल रही है तो जस्ट मेंटेन इट में टफ वन एल एन टी एन अ डेली टाइम फ्रेम एल एन टी एल एन टी एल एन टी आई थिंक इट्स एल टी राइट या एलटीओ ने डेली टाइम फ्रेम अगेन द बैड लक बट इंटरनल इज देयर ये पीस का इंटरनल दिख रहा है आपको यहाँ पे जब टूटेगा ना तो यहाँ से निकलेगा एक्स पॉसिबल बी या पॉसिबल इम्पल्स इतनी पॉसिबिलिटी है और क्योंकि ये वीकली वे भी आ रहे आई वोट सजेस्ट कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस में आप क्लियर आउन करो ना डेली स्ट्रक्चर यू मस्ट नो वट यूर डूंग टू एक्ट दिस वन राइट सर कोई अच्छा लेवल बताइए अच्छा सर निफ्टी में बाय सेल का Sell, पूछ <laughs> Anyways, में देखो ये देखो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या लेवल्स है निकाल लो ये लेवल्स जो आप निकाल सके पांचवी वे जो भी है यहाँ पर लेवल से. थोड़ा सा बस यहाँ पे अपना चार्ट पे आओ थोड़ी सी मेहनत करो ये लेवल निकाल दो अभी अगर मैं सपोज करो इफ आई एम टेलिंग यू कि यहां पे बाय करना है तो अपने चार्ट पर आना यहां पर देखना कि क्या लेवल निकल के आ रहा है ये वाला लेवल निकल के आ रहा है तो इस तरह से आप लेवल निकाल सकते हो ना राइट सो इतना भी अगर दिस क्वेश्चन इफ यू आर आस्किंग अ प्रॉपर सेटअप एंट्री स्टॉप टारगेट कहा रखना है लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई ट्रेडिंग रूम रोमेट ये ट्रेडिंग रूम किन के लिए है ये एडवाइजरी सर्विस नहीं है सिग्नल सर्विस नहीं है ऑलराइट अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो ऑलराइट या फिर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो ऑलराइट आप स्ट्रगल कर रहे हो मार्केट में समझ में नहीं आ रहा कब बाय करना है कब सेल करना कैन समबी गाइड मी अगर ये दो कैटेगरी में आप आते हो ट्रेडिंग रूम इज फॉर यू ऑलराइट ट्रेडिंग रूम में होता क्या है जैसे आप पूछ रहे हो ना यहाँ पर वेबिनार 10 से बारह लाइव इन मार्केट, राइट सो लाइव इन मार्केट, टेन टू ट्वेल्व आई कम एवरी सिंगल डे ऑलाइट एंड शो यू द सेटअप आफ्टर द मार्केट नहीं बेस्ड ऑन दिस सिनारियो, आज की भी बात करो वी शोड दिस राइट इन रूम राइट सबको ये बता रहा हूं कि सारे सेल शॉर्ट टर्म रखो प्लान द बाइस जब जब बाइस मिले इंटरडे पे अगर कर रहे हो बाय को और अगर उसको स्विंग में रख सको तो स्विंग बाय साइड के रखना सो so, इस तरह की गाइडलाइंस और सेटअप्स एग्जीक्यूशन की बात करो दे सेटअप्स एंट्रीज के साथ आई सेंड इन माय ट्रेडिंग रूम लेट मी शो यू साम क्या आपने कुछ देखे होंगे एक अच्छा ये बुल का याद है आईबुल का सॉरी नया सेटअप मैंने दिखा दिया गलती से चलो देख लिया तो चलिए देखिए लोग वन टू थ्री फोर फाइव आर कमिंग आउट यू आर कमिंग हियर वी आर ऑलरेडी इन द ट्रेड राइट तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ये शायद ये वाला है गलती से ये वाला खुल गया पर एनीज ये हम डिस्कस करते हैं इन दी टेलीग्राम जहां पर हम ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कनेक्ट रहते हैं यहां मैं सेटअप भेज देता हूँ इसके बाद जो 10 से 12 का हमारा सेशन होता है इसमें हम एंट्रीज डिसाइड करते हैं क्वांटिटीज डिसाइड करते हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिसाइड करते हैं सो सो ऑलराइट इफ इफ यू यू आर लुकिंग फॉर लेवल्स स्ट्रेटजी एंड कमिंग इन दिस टू टेरिटरी देयर इज अ ट्रायल आल्सो अवेलेबल यू कैन गो टू द वेबसाइट इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑलराइट सो कम टू द ट्रेडिंग यू आर मोस्ट वेलकम आई विल शो नॉट ओनली द लेवल्स आई विल शो एंट्री स्ट्रेटजीज आल्सो और लुपिन वन आवर। में बता दिया है। लुपिन आपका देख लेता हूं लुपिन लुपिन टाइम फ्रेम वन आवर डे चार्ट क्या चल रहा है वन आवर पर क्या चल रहा है प्राइस मूवमेंट चल रही है <laughs> मजाक कर रहा हूं ट यू हैव हियर इज दिस पीस विच इज फिनिस्टर आई थिंक फ्रेश एक्जीक्यूशन अगर आपने करनी ना तो ये नेक्स्ट वीक अगर आप मुझसे पूछेंगे ना यहाँ पर जो पॉसिबल करेक्शन आएगा ये वो इम्पल्स है जिसे मैं आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता बट ये फॉर्मेशन ऑफ समथिंग है ना नेक्स्ट मूव की वो इस मूव में है अरे सो आई गेस नेक्स्ट वीक अगर आप पूछोगे ना तो यहाँ पर एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी पर आई वुड से दैट वुल बी इंटरनल विद इन दिस पीस सो दट इज है बता दिया

इंडिकेटर होता या मेरा ट्रेडिंग रूम कोई सिस्टम होता जिसे मैं ऑटोमेट कर पाता राइट तो मैं क्या करता इसको फ्री बना देता या फिर इतना अफोर्डेबल बनाता हजार रुपए दो साल भर के वट माई ट्रेडिंग रूम इज समथिंग आई हैव टू बी प्रेजेंस इन मोमेंट राइट हर दिन हर मार्केट आवर में ग्यारह से बारह दो घंटा में अपना स्पेंड करता अब रही बात स्टूडेंट की सी आई हैव नथिंग टू सेल लाइक ये इंटरडेक्ट कोर्स है ये मेरा स्विंग कोर्स है ये वो है दिस एंड दैट राइट स्टूडेंट है मेरे वो ऑलरेडी मेरे पास जब एडमिशन लेते एक्सपेक्टेशन में लेते हैं कि यस दिस गायज लुक्स गुड एंड वट एवर दिस डूइंग आई वॉन्ट टू लर्न इट एंड उसके बाद खत्म हो जाए तो कोर्स होता है कोर्स के बाद भी ऐसा नहीं कि सब के सब के आइंस्टाइन है उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है सो वट आई डिड आप थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो फिर भी आप मंथली uh, लाइक वो बता रहे हो ज्यादा कई केसेस में मैंने स्टूडेंट्स को लाइक आई डो बाइक ट्वेंटी रुपीज पर डे फोर्टी रुपीज पर डे ऐसे भी प्लान्स आते हैं uh, हम स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रमोशनल ऑफर चलाते रहते हैं

आपको पता चलता है मैंने रिलायंस के बारे में क्या बताया एनी वेज यहाँ पे आके बाद में नहीं बताऊंगा केस ऐसा करा था बट आई वॉज वेरी मच टेलिंग द सिर्फ एक बाय देखना है लेकिन सिर्फ एक बाय राइट right? वो कितना ऊपर जाएगा वो लेट्स कीप इट ऑन ट्रेड और बेस्ड ऑन द करंट एंड सिचुएशन दिस इज वेरी मच पॉसिबल राइट दैट इज समथिंग वी कैन नो वे बिफोर रही बार टू थाउजेंड ट्वेंटी पॉसिबल ये डिपेंड करता है इस पर राइट आई थिंक इसकी जो कन्फर्मेशन आएगी अगर ये यहां आता है और स्पेशली करेक्टिव आता है इफ इट ब्रेक्स देंड लाइन विध ए करेक्टिव स्ट्रक्चर लुक फॉर दी अपन अभी के लिए जो पूरी सीन बनेगी आई थिंक नेक्स्ट वीक का जो सीन है वही बात है ना दर इज नथिंग विच टेल्स मी ट्वेंटी फोर जा रहा है ट्वेंटी फोर हंड्रेड अगर अभी मैं बोल दू फिफ्टीन हंड्रेड दर विच टेल्स मी राइट वट इट टेल्स मी जो नेक्स्ट वीक का गेम है वो ये बॉटम और ये टॉप के बीच का है तो अपनी जो ट्रेड है शॉर्ट टर्म रखना शॉर्ट टर्म प्लान करना और राइट सो दैट्स रिलायंस सो मेनी क्वेश्चन स्टोरी आई मीन आई जस्ट थोड़े से स्किप करता हूँ जो मुझे ऐसे uh, लगते हैं बेसिक्स क्वेश्चन क्यूरीज में लेता हूँ भारत फोर्स डेली भारत या फिर आई एम सॉरी गाइस आप ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ आप नेक्स्ट वीक ये कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा मैं आंसर कर दूंगा भारत फोर्ज ऑन अ डेली स्ट्रक्चर ट वी हैवी हैव दिस पीस दिस इज गोइंग अप पॉसिबल वन डाउन इस वीकली डेली स्ट्रक्चर पर तो कुछ फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है किसने पूछा है सिख ने बट आवरली आई थिंक यू वेट एंड वॉच देयर ये सिनारी थोड़ा डिफिकल्ट बट इफ कम्स देयर वन टू थ्री में और ये ब्रेक अगर स्ट्रक्चर करें एक इंटरनल दिख रहा है बट जिस टाइम फ्रेम पर आप पूछ रहे हो डेली पर उस पर नहीं आवरली पर है वो so, तो वो आप कर सकते हो एच यूएल का टारगेट क्या रखें बाय साइड का एक्चुअल मतलब लेबर डेली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत पहले आप जाओगे ना तो अपडेट किया हुआ है फिलहाल व्हाट यू हैव वन टू थ्री ये ट्रेंड देख है आपका ये ट्रेंड जब तक अगर आपके ये हाइस के ऊपर के टारगेट है ना तो ये ट्रेंड पे जरा आप फोकस करो ये ट्रेंड नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट को फॉर दाउन साइड आई वुड से सिचुएशन लाइक दिस कीप इट ऑन ट्रेड लेट द मार्केट डू नॉट ब्रेक द ट्रेंड एंड यू राइड द वे राइट आई मीन ये उस टाइम भी कॉम्प्लेक्स था आज भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स इतना स्ट्रक्चर नहीं है like so, स्पेशली तो बता सकते but अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो तो उसे आप मैनेज कर सकते yes, हैं मेरे पास रखा हुआ एक मई को बताया हुआ था राइट वी सो दिसर वी दिस इसके बाद ये बहुत मैसी मूव था राइट वट है देखो जरा सॉरी बाकी है तो अगर ऑलरेडी ट्रेड में हो तो इसको मैनेज करो ना? ये ट्रेंड नहीं टूटना चाहिए अगर ये ट्रेंड नहीं टूट रहा क्रॉल क्रॉल अप क्रॉल अप कर देगा अरे बट यस कीप दिस पिक्चर इन माइंड ना? इस तरह के भी प्ले आउट हो सकते हैं। एचयूएल में समझ नहीं आ रहा ऑलरेडी एक्सप्लेन Three day? how can we understand? At least one month to understand. I already told Rahul. Okay, you can do twice. 15 days ka twice. Do you expect Infosys to come down as per your gap theory? It's not gap, it's wave. <laughs> Anyways, Infosys is on a steroid and it should be.

इस तरह के स्क्रिप्ट को इंट्राडे सेल करना लिए बेवकूफों की तरह इन करेक्टिव फेस कुड डू एनीथिंग थिंग ये यहाँ पर लास्ट वेव जाके एक स्पाइक देके फिर नहीं जा सकते तो आप कहोगे वही बात हो गई देखो मैंने कहा था मैंने आ गया यहाँ तो अपना वो निकल गया ना राइट सो बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन कीप इट ऑन इंट्राडे यस 846 तक आना काफी ज्यादा पॉसिबल है स्टिल होल्डिंग नाइन हंड्रेड आई थिंक ये नहीं आ सकता वो नीचे आ जाएगा ये देखो यहाँ पे ट्रेंड है ये एक ऊपर आके भी नीचे आ जाएगा so possibility है वो सब आ जाए राइट वट इज योर थॉट ऑन गैप फिलिंग गैप फिलिंग्स आर वेरी गुड थ्योरीज बट फॉर दई डू आई नॉलो दट फॉर द इंट्रोडे बट नॉट फॉर दि स्विंग स्विंग्स में एक एक्साम्पल मैं बताता हूँ जिससे कि देखो यहाँ पे गैप आया है या फिर यहां पर गैप आया इंट्राडे में उस मोमेंटम के लिए उस मूव के लिए वो पॉसिबल आप उसको लगा सकते हो पर स्विंग्स में इसके साथ है है जैसे ये गैप राइट आपकी जो प्राइस है वो वर्टिकल मूव करती है ऊपर या नीचे तो आप किधर का भी गैप ले लो टेक्निकली सभी आपको यही इल्यूजन आएगा कि कभी ना कभी वो फिल हो रहा है राइट तो right? so ये गैप ले लो अब ये इंपल्स के बाद क्या आएगा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर द इंपल्स पॉसिबल करेक्शन कॉल इट इज गैप फिलिंग अगर ऐसे बैठोगे देखो मार्केट में कुछ ऐसा चाहिए जो हमेशा एक बात बोले राइट right? ऐसा नहीं बोले कि अरे यार ये वाले गैप में तो वो हो गया उस वाले गैप में वो हो गया राइट इफ यू सी अम्पल इफ यू सी वन टू थ्री करेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इट सेल्फ इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर ये चेंज नहीं हो सकता यूनिवर्सल है फैक्ट है राइट right? ये गैप फिल होगा कि नहीं हो गया तो आई I मीन mean, नहीं हुआ तो भी गुणा भाग करके यहां पे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ला दोगे ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है ये इंपल्स नहीं है इसमें कुछ एक्सक्यूज नहीं ला सकते सो आई वांट सम थ्योरीज लाइक दैट इस तरह से जो देखो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी ना उतनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग ऊपर जा सकती है so, सो अगर फ्लेक्चुएट करेगी तो अगर गैप से ही गिरना था इसको तो यहीं से गिर जाना था राइट अगर गैप से इसको बढ़ना है से बढ़ जाना चाहिए टेक्निकली वो बढ़ भी सकता है लोग कहेंगे कि देखो गैप से बाहर के वो चला गया बट दैट्स वेरी सब्जेक्टिव सो आई 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 ट्रेड इट फॉर इंटर एट बट आई डोंट बिलीव इट इन लॉन्ग टर्म आफ्टर इलेवन के वी विल गेट करेट पैटर्न इन निफ्टी निफ्टी में अभी भी अगर आप केस की बात करो दैट्स द लास्ट क्वेश्चन राइट अगर आप निफ्टी में अभी भी बात करो तो जो निफ्टी पे पहले चलते हैं सो so निफ्टी की जो बात करो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एंड एंडरियोज हैं ये पॉसिबल बी वेव के हैं या नेक्स्ट इम्पल्स के हैं राइट जिस हिसाब से सिचुएशन है आई वुड से 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट यू आर इन इम्पलसिव साइड पॉसिबिलिटी आपकी 45 फाइव टू फोर्टी इतनी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी बी केस का बी वाला जो केस है वो ओपन है तो जब तक ये केस ओपन रहेगा आपको इसका करेक्टर करेक्शन दिख सकता है अरे पर वो दिखेगा कहां से आई थिंक लेट द मार्केट फॉर्म इट उसके बाद बता सकते हैं और कब तक रहेगा देखो ये ये वाला अगर आई वुड से कि यहां तक अगर आपका मार्केट आ गया ग्यारह तक तब मैं कहूंगा कि जो बी वाला केस है वो कंप्लीटली हम डिजोल्व या रिजोल्व कर सकते हैं पर जब तक 11,200 टच ना करे मार्केट वी हैव टू कीप दैट केस ओपन अरे सो आई होप गाइस दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल इफ यस डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एटलीस्ट ऑन यूट्यूब एंड वीकेंड्स आ रहे हैं अगर आप ट्रेडर हो तो स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर लर्नर हो तो अपना जो सैटरडे uh, है वो लर्निंग पे स्पेंड करो एंड संडे स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस ट्रेड विथ केयर थैंक यू सो मच दिस वेल दीप बाय बाय